मेष राशि। सप्ताह के शुरुआत में कार्यों में सुधार होगा, पराक्रम से व्यवसाय की प्रगति हो, पुराने विवाद का हल पक्ष में होने से प्रसन्नता होगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे, दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी, विपरीत घटना घटित होने की संभावना है, महत्वपूर्ण उपलब्धि से विलंब होगा, धन संपत्ति विषयक मसला सुलझेगा, राजनीतिक पक्ष से सहयोग मिलेगा, नव संपर्क का सदुपयोग करने से वंचित रह जाएंगे, किसी से विश्वासघात की आशंका रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा, व्यवसाय क्षेत्र में विस्तार होगा, रचनात्मक क्रियाकलापों की ओर अभिरुचि जागृत होगी, विरोधी परास्त होंगे, मौज मस्ती के निमित्त अधिक व्यय होगा, धार्मिक यात्रा का संयोग बनेगा। भाग्योदय टिप्स। श्री दुर्गा जी का दर्शन पूजन करें, मंगल ग्रह के मंत्र ओम मंगलाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह समय अनुकूल रहेगा, आत्मसंयम से अधूरे कार्य पूर्णता की ओर होंगे, किसी के माध्यम से बकाया धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सौहार्द रहेगा, संतान पक्ष से चिंता कुछ कम होगी, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हितकर नहीं होगा, प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहेगी, वैचारिक अस्थिरता रहेगी, जरा जरा सी बात पर क्रोध आएगा, समय संतोषजनक रहेगा, आर्थिक व्यवसायिक पक्ष में परिश्रम के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा, जन कल्याण की ओर रुझान रहेगा, आपसी मतभेद कम होंगे, भोग विलासिता की ओर अग्रसर होंगे, यात्रा का परिणाम प्राप्त होगा। भाग्योदय टिप्स। भगवती महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के मंत्र ओम शम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह समय शुभ है, घरेलू समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा, नव समाचार से प्रसन्नता होगी, व्यक्तिगत जीवन में नवीन उपलब्धियां होगी, जिम्मेदारियों को निभाने हेतु व्यय करने की स्थिति बनेगी, आपकी सलाह दूसरों को कामयाब बनाएगी, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, समय बेहतर रहेगा, परिस्थितियों में सुधार होगा, वाद विवाद का समापन होगा, आय के नए स्रोत सामने आएंगे, आपसी संबंधों में टकराव बनी रहेगी, धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, प्रतिकूलता की स्थिति रहेगी, भाग्य का मार्ग अवरुद्ध रहेगा, व्यवसाय में विस्तार की चिंता रहेगी, पारिवारिक सदस्यों में गलतफहमी होगी, राजकीय पक्ष से परेशानी होगी, वाहन से चोट का भय बना रहेगा। भाग्योदय टिप्स। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। सप्ताह में शुरुआती चार दिन समय प्रतिकूल रहेगा, इच्छित सफलता में व्यतिक्रम रहेगा, अधीनस्थ सहयोगियों से तनाव उपस्थित होगा, घरेलू वातावरण कष्टकर होगा, कर्ज की अदायगी की चिंता बनी रहेगी, मेल मिलाप में अरुचि रहेगी, व्यर्थ की भाग दौड़ में समय नष्ट होगा, अनुकूलता की स्थिति रहेगी, विविध पक्षों में उन्नति का योग रहेगा, नौकरी में पदोन्नति और स्थानांतरण का मसला हल होने को होगा, स्वजनों से संपर्क का योग बनेगा, धन संचय की ओर प्रवृत्ति रहेगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विरोधियों का वर्चस्व कम होगा, सद्भाव से कार्य बनेंगे, चित्र प्रफुल्लित रहेगा। भाग्योदय टिप्स। महादेव श्री जी की पूजा अर्चना करें, सोमवार के दिन चंद्रमा ग्रह के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, विशेष परिश्रम व प्रयास का शुभ फल प्राप्त होगा, शुभ भावनाओं के उदय होने से आत्मिक शांति की अनुभूति होगी, शत्रु सक्रिय होने के प्रयास में असफल रहेंगे, उलझनों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावी रहेगा, धन का अभाव रहेगा, मित्रों से विरोध का सामना करना पड़ेगा, एकाग्रता का अभाव रहेगा, आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, भौतिक सुख में कमी आएगी, मन व्यथित रहेगा, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, राजनीतिक कृत्यों में सम्मिलित रहेंगे, जन कल्याण की भावना जागृत होगी, पठन पाठन की ओर रुझान रहेगा, मनोविनोद के अवसर सुलभ होंगे, परिवार में मंगल आयोजन का कार्यक्रम बनेगा। भाग्योदय टिप्स। भगवान सूर्य की पूजा विधि पूर्वक करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि। इस सप्ताह व्यापारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, विवाद का समापन होगा, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी, पद की प्राप्ति में उपस्थित बाधाएं समाप्त होंगी, संतान पक्ष से चिंता कुछ कम होगी, परेशानी रहेगी, कार्यों में गतिरोध रहेगा,
विरोधियों का वर्चस्व रहेगा। सहयोगी आश्वासन देकर पीछे हट जाएंगे, आलस की अधिकता रहेगी, यात्रा में असुविधा होगी, व्यवसाय के विस्तार हेतु प्रयास सार्थक होंगे, धन संपत्ति का मसला हल होगा, बुद्धि चातुर्य से तनाव में कमी आएगी, पारिवारिक सुख शांति का वातावरण रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होगा, दर्शनीय स्थलों की यात्रा का कार्यक्रम बनेगा। भाग्योदय टिप्स। ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें, शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करें। तुला राशि। इस सप्ताह दिनमान पक्ष में रहेगा, ग्रह स्थिति पक्ष में रहेगी, नव योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वजनों परिजनों से विचार विमर्श होगा, आकस्मिक लाभ का संयोग बनेगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, स्वधार की ओर रुचि रहेगी, आपके हितैषी आपका सहयोग करेंगे, दांपत्य जीवन में सुख शांति रहेगी, अनुकूलता भी रहेगी, व्यवसाय प्रगति होगी, कठिनाइयों का निवारण होगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, घरेलू दिक्कतें दूर होंगी, विवादास्पद मसला हल होगा, संत समागम होगा, कार्यों में गतिरोध रहेगा, जल्दबाजी से कार्यों की सफलता में संदेह रहेगा, अभिलाषा अपूर्ण रहेगी, बात बात पर क्रोध आएगा, आर्थिक कठिनाइयां भी आएंगी, प्रतिष्ठा पर आघात होगा, वाहन से भय बना रहेगा। भाग्योदय टिप्स। श्री महालक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करें, शुक्र ग्रह के मंत्र ओम शुम शुक्राय का जाप करें। वृश्चिक राशि। सप्ताह के उत्तरार्ध में समय व्यवधान कारक रहेगा, कार्य क्षमता का भार बढ़ेगा, स्वास्थ्य में शिथिलता आएगी, पठन पाठन में रुचि रहेगी, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, शेष समय उन्नति में सहायक होगा, कार्य बनने को होंगे, जटिल समस्या के समाधान में मित्रों से मदद मिलेगी, मनोवांछित सफलता का सुअवसर प्राप्त होगा, आय के नए स्रोत सामने आएंगे, सुयश की प्राप्ति होगी, राजनैतिक लाभ लेने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे, नव संपर्क का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सौहार्द रहेगा, धर्म आध्यात्म की ओर आस्था जागृत होगी, भौतिक सुख सुविधा के निमित्त व्यय होगा, किसी उत्सव में सम्मिलित होंगे, आहार विहार में नवीनता रहेगी, वैवाहिक अड़चन समाप्त होगी, गलतफहमी दूर होगी, यात्रा संतोषजनक होगा। भाग्योदय टिप्स। भगवती माँ दुर्गा की आराधना करें, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। धनुराशि। इस सप्ताह समय उन्नति में सहायक रहेगा, आत्मसंयम से कार्यों में प्रगति का सिलसिला रहेगा, समझदारी से लिया गया निर्णय हितकर होगा, व्यक्तिगत जीवन में नवीन उपलब्धि प्राप्त होगी, विशेष प्रयास भी सफल होंगे, व्यापारिक पहलू को लेकर चिंतित रहेंगे, मित्रों से विरोध रहेगा, दूसरों की गलतफहमी के शिकार होंगे, मन व्यथित रहेगा, शुभ संदेश की प्राप्ति से परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर सकेंगे, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, सुपरिचित से सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होगा, रचनात्मक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन की दिशा में कार्यक्रम उपस्थित होगा, आमोद प्रमोद के साधन सुलभ होंगे। भाग्योदय टिप्स। श्री विष्णु जी के मंदिर में मत्था टेके, बृहस्पति ग्रह के मंत्र ओम बृहस्पते नमः का जाप करें। मकर राशि। इस सप्ताह शुभ अवसर प्राप्त होगा, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, विवादास्पद मसला सुलझने को होगा, संभावित यात्रा संतोषजनक रहेगी, ग्रह योग प्रतिकूल रहेगा, सोचे हुए कार्य अधूरे रह जाएंगे, समस्याओं से अशांति रहेगी, व्यवहार में जरा सी लापरवाही हानिकारक होगी, दांपत्य जीवन में कटुता रहेगी, समय बेहतर रहेगा, योजना की शुरुआत हेतु नए मार्ग प्रशस्त होंगे, मनोरथ की सिद्धि होगी, व्यक्तिगत परेशानी कम होगी, विरोधी प्रभावी होने में सफल रहेंगे, उच्चाधिकारियों से अनुकूलता मिलेगी, व्यक्तित्व का विकास होगा, वैवाहिक अड़चने समाप्त होंगी, धर्म आध्यात्म के प्रति आस्था रहेगी। भाग्योदय टिप्स। श्री हनुमान जी का दर्शन करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह समय शुभ है, समस्याओं में कमी आएगी, बहुप्रतीक्षित कार्यों के बनने से प्रसन्नता होगी, मित्रों परिजनों के माध्यम से कुछ मसले हल होंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, नव संपर्क लाभदायी होगा, बकाया धन की प्राप्ति होगी, आहार विहार में नवीनता आएगी, सद्विचारों का उदय होगा, आपके हितैषी आपका सहयोग करेंगे, परेशानी रहेगी, प्रगति में व्यतिक्रम रहेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, विशेष प्रयास के बावजूद आंशिक सफलता मिल पाएगी, अप्रिय घटना से मन अशांत रहेगा, परिवार में असंतोष रहेगा, स्वजनों की गतिविधियों से कष्ट होगा, सतर्कता जरूरी है। भाग्योदय टिप्स। प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में दर्शन पूजन करें, गरीबों एवं सहयोग यथाशक्ति सेवा एवं सहायता करें। मीन राशि।
इस सप्ताह जोखिम से नुकसान होगा, विनियोजन का प्रतिफल आशा अनुकूल प्राप्त होगा, समस्या के समाधान में स्वयं का निर्णय लाभदायक होगा, अधूरे कार्यों की पूर्ति हेतु सहयोग से विचार विमर्श होगा, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकेंगे, व्यक्तिगत कार्य क्षमता बढ़ेगी, धार्मिक आयोजन संपादित होगा, दूसरों के आश्वासन से मानसिक राहत मिलेगी, भविष्य के लिए नवीन योजना बनेगी, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, आपसी संबंधों में तनाव कम होगा, परिजनों की सलाह काम आएगी, मनोविनोद के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, कठिनाइयों में कमी महसूस होगी, शत्रु हानि पहुँचाने की दिशा में असफल रहेंगे। भाग्योदय टिप्स, विष्णु भगवान का दर्शन करें और ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। व्रत त्योहार, सोमवार 23 मई श्री शीतला अष्टमी व्रत, गुरुवार 26 मई अचला एकादशी व्रत, शुक्रवार 27 मई प्रदोष व्रत, शनिवार 28 मई महाशिवरात्रि व्रत, रविवार 29 मई वट सावित्री व्रत का द्वितीय संयम। तो अगले सप्ताह राशियों का हाल लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।